पिछले दिनों माइक्रोसॉफ्ट का सर्वर फेल होने की खबर ने न केवल लोगों का ध्यान खींचा बल्कि दुनिया भर के दफ्तर और सेवाएं बड़े पैमाने पर इससे प्रभावित हुई। तो चलिए इस पर कुछ डिटेल में बात करेंगे, आखिर हुआ क्या, क्यों हुआ और कैसे हुआ। दरअसल माइक्रोसॉफ्ट में टेक्निकल प्रॉब्लम के चलते बीते शुक्रवार यानी 19 जुलाई को ग्लोबली हाहाकार मच गया। दुनिया भर में विमान की उड़ानों, बैंकों, मीडिया संस्थानों और दूसरी कई कंपनियों के कामकाज पर इसका बुरा असर पड़ा। इंटरनेट रुकावटों पर नजर रखने वाली वेबसाइट डाउन डिटेक्टर ने बताया कि वीजा, एडीटी सिक्योरिटीज, अमेजन और अमेरिकन एयरलाइंस के साथ डेल्टा समेत कई एयरलाइनों के कामकाज में इससे बड़ी रुकावटें भी आईं। ग्लोबली आईटी आउटेज के चलते ऐसा हुआ, लेकिन यह है क्या ग्लोबल आईटी आउटेज? ग्लोबल यानी कि जिसका असर वैश्विक स्तर पर हो। आईटी का अर्थ तो आप बेहतर जानते हैं और अब आते हैं आउटेज पर। दरअसल आउटेज अवधि वो समय अवधि है जब कोई सिस्टम अपना प्राथमिक कार्य करने या प्रदान करने में विफल रहता है। सिस्टम किसी अनियोजित घटना या नियमित रखरखाव के कारण विफल हो सकता है। सिस्टम विफलताओं के कारण होने वाली आउटेज नेटवर्क सिस्टम के उपयोगकर्ताओं पर गंभीर प्रभाव डाल सकती है, यानी तमाम तरह के कामकाज में रुकावटें। अब आउटेज क्यों हुआ ये भी जानिए। दरअसल डेल टेक्नोलॉजीज ने कहा है कि ये समस्या हालिया क्राउड स्ट्राइक अपडेट के कारण हुई है। क्राउड स्ट्राइक एक साइबर सिक्योरिटी प्लेटफॉर्म है जो यूजर्स को सिक्योरिटी सॉल्यूशन देता है। क्राउड स्ट्राइक के अपडेट के कारण ही माइक्रोसॉफ्ट के एज़्योर क्लाउड और माइक्रोसॉफ्ट 365 सर्विसेज में परेशानी आई है। इससे वही यूजर प्रभावित हुए हैं जो माइक्रोसॉफ्ट एज़्योर का इस्तेमाल करते हैं। तो ये आप समझ गए होंगे कि आखिर पर्टिकुलर एक सेक्टर था जहां परेशानी आई। वैसे माइक्रोसॉफ्ट दुनिया की सबसे बड़ी और वैल्यूएबल कंपनियों में से एक है। अब ये भी जान लेते हैं कि इसका मालिक कौन है, कंपनी की नेटवर्क कितनी है। दरअसल माइक्रोसॉफ्ट कॉरपोरेशन के शेयर होल्डर्स तीन प्रकार से बटे हुए हैं, जिसमें से एक है ऑर्गेनाइजेशनल यानी कि संस्थागत, दूसरा है खुदरा यानी कि आम लोग, और तीसरे शेयर होल्डर में आते हैं व्यक्तिगत निवेशक यानी कि पर्सनल इन्वेस्टर्स। अब इनमें ऑर्गेनाइजेशनल इन्वेस्टर्स यानी कि संस्थागत निवेशकों की कंपनी में हिस्सेदारी लगभग 69.14% है। इन ऑर्गेनाइजेशनल इन्वेस्टर्स में म्यूचुअल फंड और बीमा कंपनियों जैसी बड़ी संस्थाएं शामिल हैं। इनमें से भी सबसे बड़ा शेयर धारक है द वैनगार्ड ग्रुप, जिसके पास माइक्रोसॉफ्ट के लगभग 9% शेयर हैं। ये दुनिया की सबसे बड़ी कंपनियों में से एक है। अब इसके अलावा करीब 7.73% शेयर कंपनी के अंदरूनी लोगों के पास है और बाकी बचे शेयर आम जनता और व्यक्तिगत निवेशकों के पास हैं। कंपनी के अंदरूनी लोगों में कंपनी के अधिकारी और बोर्ड मेंबर आते हैं। इनमें इनके पास कंपनी के कुल शेयर का लगभग 7.73% हिस्सा है। इस श्रेणी में सबसे ज्यादा शेयर माइक्रोसॉफ्ट के सीईओ सत्या नडेला के पास हैं। मई 2024 तक नडेला के पास माइक्रोसॉफ्ट के 801,331 शेयर थे। वहीं आपको सुनकर हैरानी होगी कि कंपनी के संस्थापक बिल गेट्स की हिस्सेदारी कंपनी में सिर्फ और सिर्फ करीब 2.79% ही है। और चलिए आते हैं खुदरा निवेशकों यानी कि आम जनता पर। इसमें वो सभी लोग शामिल हैं जो शेयर बाजार में शेयर खरीदते और बेचते हैं। इनके पास माइक्रोसॉफ्ट के कुल शेयर का 23.13% हिस्सा है। 18 जुलाई 2024 तक माइक्रोसॉफ्ट का मार्केट कैप या नेटवर्थ $3.30 ट्रिलियन था, जो कि बीते एक साल में 30.18% बढ़ा है। बता दें कि कंपनी के भारतीय मूल के सीईओ सत्या नडेला हैं। नडेला 2014 में कंपनी के प्रमुख बने थे और उनकी लीडरशिप में माइक्रोसॉफ्ट ने टेक इनोवेटर के तौर पर खुद को दोबारा स्थापित किया है। इस दौरान कंपनी के शेयरों में कई गुना तेजी आई। सत्या नडेला के बारे में भी जान लीजिए सत्या नडेला का जन्म हैदराबाद में साल 1967 में हुआ था। उनके पिता एक प्रशासनिक अधिकारी और माँ संस्कृत की लेक्चरर थीं। उन्होंने प्रारंभिक शिक्षा हैदराबाद पब्लिक स्कूल से हासिल की और फिर मणिपाल इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी से इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग की पढ़ाई की और इसके बाद कंप्यूटर साइंस में एमएस करने के लिए अमेरिका चले गए। पढ़ाई पूरी करने के बाद सत्या नडेला ने सन माइक्रोसिस्टम्स में कंपनी के टेक्नोलॉजीज टीम में काम किया। 1992 वो साल जब उन्होंने माइक्रोसॉफ्ट
ज्वाइन कर ली और तब से वो उसी के साथ जुड़े हुए हैं। कंपनी के साथ इतने लंबे वक्त तक जुड़े रहने के दौरान उन्होंने कई योजनाओं पर काम किया। सत्या नडेला को क्लाउड गुरु भी कहा जाता है। उन्होंने माइक्रोसॉफ्ट में क्लाउड कंप्यूटिंग का नेतृत्व किया और कंपनी को दुनिया के सबसे बड़े क्लाउड इंफ्रास्ट्रक्चर में से एक बनाने में महत्वपूर्ण भूमिका भी निभाई, यानी कि माइक्रोसॉफ्ट में बहुत महत्वपूर्ण भूमिका निभाते रहे सत्या नडेला। वैसे तो ज़्यादातर लोग ये जानते ही हैं कि माइक्रोसॉफ्ट क्या है। कंप्यूटर और माइक्रोसॉफ्ट के ज़माने में हर किसी का इससे हर कदम पर सामना परोक्ष या अपरोक्ष तौर पर हो ही रहा है। तो आपको बता दें कि माइक्रोसॉफ्ट दुनिया में कंप्यूटर सॉफ्टवेयर का सबसे बड़ा विक्रेता भी है। ये क्लाउड कंप्यूटिंग सेवाओं, वीडियो गेम, कंप्यूटर और गेमिंग हार्डवेयर, खोज और अन्य ऑनलाइन सेवाओं को देने वाली कंपनियों में से एक है। इसकी शुरुआत 1975 में हार्वर्ड यूनिवर्सिटी के सहपाठी बिल गेट्स और पॉल एलन के द्वारा की गई। और कह सकते हैं आप कि पूरी दुनिया में माइक्रोसॉफ्ट ने अपना एक अलग मुकाम बना रखा है और इसलिए करीब 60 देशों में इसका दफ्तर भी मौजूद है। और जब इसकी सेवाओं में कहीं की गड़बड़ी आई या कहीं की रुकावट आई तो पूरा देश इससे प्रभावित हुआ। देश विश्व भर की तमाम सेवाएं इससे प्रभावित हुई। लेकिन अब चिंता की बात नहीं, अब लगभग सिचुएशन कंट्रोल में है। इंडिया से अमेरिका तक, ऑस्ट्रेलिया से ब्रिटेन तक, पूरी दुनिया में हाहाकार है। दुनिया भर के एयरपोर्ट से जहाज उड़ान नहीं भर पा रहे हैं। कई टीवी और ब्रॉडकास्ट कंपनियों के प्रसारण थम गए हैं। शेयर बाजार से लेकर बैंक तक बंद हो गए हैं। ये किसी साइंस फिक्शन फिल्म का सीन लगता है जब कोई साइबर टेररिस्ट पूरी दुनिया को ठप कर देता है। लेकिन ये कोई फिल्म नहीं, हकीकत है। दुनिया भर में एयरपोर्ट, बैंक से लेकर कई सेवाएं ठप पड़ी हैं और इसकी वजह है माइक्रोसॉफ्ट का सर्वर डाउन होना। एक सर्वर से पूरी दुनिया ठप हो गई। माइक्रोसॉफ्ट के सर्वर में खराबी आने से दुनिया भर में रेलवे, एयरलाइंस, बैंकिंग सेक्टर समेत स्टॉक एक्सचेंज तक की सेवाएं ठप पड़ गई हैं। सर्वर ठप होने से ऑस्ट्रेलिया, अमेरिका, ब्रिटेन, स्पेन समेत कई देशों में हड़कंप मच गया। कई अमेरिकी राज्यों में 911 सेवाएं बाधित हैं। ब्रिटेन में ट्रेनों का परिचालन रुक गया है। जर्मनी के बर्लिन एयरपोर्ट पर फ्लाइट रद्द है। बैंक का काम ठप है। ऑस्ट्रेलिया में कई कंपनियां बंद हो गई हैं। अमेरिका में यूएस एयरलाइंस की सभी फ्लाइट्स ग्राउंड पर हैं। माइक्रोसॉफ्ट क्या फेल हुआ, सारी दुनिया में उथल पुथल मच गई है। यहाँ लंदन में, यहाँ हम ट्रेन लेने के लिए इंतजार में हैं, लेकिन ट्रेन की सर्विस कैंसिल हो चुकी है और ये केवल एक उदाहरण है। अभी ट्रेन का इंतजार कर रहे हैं, कुछ निश्चित नहीं कि वो भी चलेगी या नहीं। माइक्रोसॉफ्ट का सर्वर डाउन होने से भारत में भी हड़कंप है। एयरपोर्ट से विमान उड़ान नहीं भर पा रहे। इंडिगो, अकासा एयरलाइंस और स्पाइस जेट समेत कई एयरलाइंस के विमान उतारने पड़े हैं। दिल्ली और मुंबई एयरपोर्ट पर चेक इन समेत कई ऑनलाइन सेवाएं काम नहीं कर रही हैं।